हेलो वेलकम स्टूडेंट्स टू सुभाष इंग्लिश स्कूल डिजिटल क्लास क्लास एलकेजी सब्जेक्ट हिंदी। आज हम बच्चों दो अक्षर से बने शब्द सीखेंगे। दो अक्षर के शब्द किस प्रकार बनते हैं यह लिखना और बोलना सीखेंगे। ठीक बच्चों, देखो अब यह चित्र है नल, न प्लस ल, क्या शब्द बना नल। यहां पर देखिए बच्चों यह किसकी चित्र बनी हुई है, फल, फल की टोकरी है ना बच्चों, तो यहां लिखा हुआ है फ प्लस ल, फल। नेक्स्ट है घर, यह क्या बना हुआ बच्चों चित्र, घर का चित्र बना हुआ है, तो हमें शब्द पढ़ना है घ प्लस र, यह घ और र को हमें जोड़ना है, तो हम किस तरीके से बोलेंगे घर। अब नेक्स्ट है जग का चित्र बना हुआ है, क्या बना हुआ है जग का, तो हमें पढ़ना है ज प्लस ग। अब इन दोनों शब्दों को हमको जोड़कर एक साथ बोलना है ज ग ज ग। अब नेक्स्ट चित्र है धन, धन यानी पैसे रकम, इन सभी को हम धन बोलते हैं, तो ध प्लस न, हम एक साथ बोलेंगे इसको जोड़कर शब्दों को धन। नेक्स्ट है वन, जंगल पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे होते हैं जहां हम घने होते हैं उनको क्या बोलते हैं वन, तो व प्लस न, अब एक साथ बोलेंगे व न। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन है दो अक्षर वाले शब्द जोड़कर लिखो। अब हमें यह शब्द प्लस में लिख रखा है, इन्हें हमें एक साथ जोड़कर लिखना है सामने की ओर। न प्लस ल, दिख रहा बच्चों आपको, ये प्लस लगा रखा है, हमें अब सामने यह प्लस नहीं लगाना, इन शब्दों को दोनों को एक साथ जोड़कर हमें शब्द बनाना है। न ल, इस तरीके से प्लस हटाकर न और ल दोनों एक साथ हमने लिखे हैं बच्चों, यह शब्द बन गया है न ल। अब यह है फ प्लस ल, अब हम बनाएंगे सीधी लाइन खींचकर फ ल, हमें ऊपर एक ही लाइन में दो अक्षर को जोड़कर हमें शब्द बनाना है। यह देखो प्लस हटाया और एक ही लाइन में हमने फ और ल लिखा है फ ल। नेक्स्ट है हमारा घ प्लस र, हम सीधी लाइन खींचेंगे घ र, क्या बन गया बच्चों घर, यह शब्द बन गया है, क्या बना है शब्द, दो अक्षर जोड़कर शब्द बना है घर। अब है ज प्लस ग, सीधी लाइन खींचेंगे ज ग जग। नेक्स्ट है हमारा ध प्लस न, ध न धन, बच्चों हमें बोल बोल कर अक्षर को लिखना है ताकि हमें बोलना भी सीखें और लिखना भी सीखें। नेक्स्ट है हमारा ट प्लस ब, ट ब, क्या शब्द बनाइए टब। ठीक बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न है दो अक्षर वाले शब्द लिखो।
हमें दो अक्षर वाले शब्द जमा कर सुंदर अक्षरों में लिखना है और बोलना है। अब हमारे क्या शब्द लिखे हुए हैं? मग, टब, फन, हल। अब जिस तरीके से ये लिखा हुआ है उसी तरीके से हमें भी लिखना सीखना है। सीधी लाइन खींचना है, मा ग, प्रॉपर दो लाइन में ही आपको छोटी लाइन में बनाना है। मग, अब लिखेंगे टब, 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 अब लिखेंगे फन, फ, न, अब हम लिखेंगे हल, ह, ल। इस तरीके से आप भी अपनी कॉपी में लिखना बच्चों, और उसी तरीके से जिस तरीके से हमने बनाए हैं उसी तरीके से आपको भी सुंदर अक्षर लिखना है। नेक्स्ट है हमारा जल, नल, खत, छत। अब इसी के नीचे लिखेंगे, ये डॉट्स लगे हुए हैं, ज ल, जल, न ल, नल, ख त, खत, छ त, छत। अब नेक्स्ट है हमारा नथ, वन, चल, मन। हम इसी के नीचे लिखेंगे और बोल बोल कर लिखेंगे। पढ़कर लिखने से हमें पढ़ना भी आएगा और बच्चों लिखना भी आएगा। य न ल, न ल, सॉरी बच्चों थ है, न थ, व न, व न, च ल, चल, म न, मन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चित्र देखकर शब्द पूरे करो। बच्चों यह चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों को हमें देखकर हमें शब्द पूरे करने हैं। एक अक्षर लिखा हुआ है और एक हमें लिखना है। अब हम चित्र पढ़ेंगे। कौन सा चित्र है यह? म ग। अब म बना हुआ है, अब पीछे एक अक्षर और लिखना है हमें, तो म ग। तो हम यहाँ कौन सा अक्षर बनाएंगे? ग। क्या बनाया? म ग। अब यह बच्चों कौन सा चित्र बना हुआ है? घर। तो हमें घर शब्द पूरा करना है, तो यानी यह सामने जगह खाली है और र हमें लिखा हुआ है, तो हम र लिखा हुआ है तो हम आगे कौन सा अक्षर लिखेंगे? घ, घ, र, घर। ठीक बच्चों, नेक्स्ट चित्र है हमारा, यह गिलास बनी हुई है और गिलास में जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चों? जल। तो हमें यह शब्द पूरा करना है, ज लिखा हुआ है, हम पीछे कौन सा अक्षर लिखेंगे? ल। अब यह हमारा शब्द बन गया जल, यह गिलास में जल भरा हुआ है, जल। न ल, यह नल का चित्र बना हुआ है बच्चों, ल लिखा हुआ है पीछे की साइड और आगे हमें अक्षर लिखना है, तो न ल। तो हमें कौन सा अक्षर लिखना है बच्चों? न। ठीक बच्चों, न ल, नल।
बच्चों यह कौन सा चित्र बना हुआ है? एक रुपया बना हुआ है। अब हम रुपये और पैसे को धन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? धन। तो ध लिखा हुआ है, हमें पीछे एक अक्षर और लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम? न। इस तरीके से हमारा बना ध न। हम पैसे रुपयों को धन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों? ओके। अब हमारा अगला प्रश्न है, चित्र को देखकर शब्द लिखो। अब बच्चों यह चित्र बने हुए हैं, इन चित्र को हमें पहचानना है और शब्द लिखना है। देखो बच्चों यह चित्र कौन सा है? न थ। हमें यहाँ बनाना है न थ। क्या बनाया शब्द? न थ। नेक्स्ट है, यह चित्र वक का है, तो हमें वक का लिखना है। क्या लिखेंगे बच्चों? वक, वक। ठीक बच्चों, अब हम अगला चित्र देखेंगे, यज्ञ। यह हवन कुंड है, यज्ञ। हमें यहाँ यज्ञ लिखना है, य ज्ञ। अब हमारा नेक्स्ट चित्र है टब। कौन सा चित्र है बच्चों? टब। ट ब, टब। अब यह कौन सा चित्र है बच्चों? टब बना हुआ है या डलिया बनी हुई है और इसमें फल बने हुए हैं। देखो एप्पल, अंगूर, केले, तो फल है। कौन सा शब्द है बच्चों? यह फल लिखना है हमें। यह चित्र फल का बना हुआ है, इसलिए हमें फ ल फल। ठीक बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, दो अक्षर से बनने वाले वाक्य लिखो। ठीक बच्चों, हमें यह वाक्य लिखना है कॉपी में, आप भी अपनी कॉपी में लिखना। बच्चों हमने पहले शब्द बनाना सीखे थे और बोलना सीखे थे, अब हम उन्हीं शब्दों से वाक्य बनाना सीखेंगे। डर कर मत चल, यह बच्चों पूरा वाक्य बन गया है, तो हमें बोल बोल कर और इस वाक्य को लिखना है। ड र क र म त च ल। अब यह कौन सा वाक्य बना? डर कर मत चल। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट है हमारा वाक्य, अब रथ पर चढ़। अब हमें वाक्य लिखना है बच्चों, अ ब र थ प र च ड। ठीक बच्चों, आप च ड, अब रथ पर चढ़। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। अब यह वाक्य है बच्चों, इसे हमें पूरा करना है खाली जगह पर शब्द लिखकर। यश पढ़ कर चल। अब क्या पढ़कर चलना है बच्चों? खत या छत? तो खत आएगा। क्या आएगा बच्चों? ख। यहाँ हमें खाली जगह पर शब्द लिखना है इस तरीके से। ये दो शब्द दे रखे हैं, दो में से हमें एक चुनकर यहाँ खाली स्थान पर लिखना है। नेक्स्ट है हमारा,
खाली स्थान है बच्चों, चख कर रख। अब क्या चखना है हमें, फल या फल? तो बच्चों क्या आएगा, फल। फल को हम चखते हैं ना, इसलिए हम यहाँ खाली स्थान पर क्या लिखेंगे, फल। फल, फल चख कर रख। ठीक बच्चों, अब हमारा अगला वाक्य है, जय चल, खाली स्थान है कर। अब हमें यज्ञ या डर, तो यज्ञ क्या लिखेंगे हम यहाँ खाली स्थान पर, यज्ञ। अब यह कौन सा वाक्य बना हमारा, अब हमारा वाक्य बना है जय चल यज्ञ कर। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट है हमारा वाक्य, अब खाली स्थान है या जगह छोड़ रखी है बच्चों, रख। अब हमें क्या रखना है, बन या धन, तो धन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों हम खाली स्थान पर, ध न। अब हमारा वाक्य कौन सा हो गया, अब धन रख। ठीक बच्चों, ओके ओके बच्चों, आज हमने जो पढ़ा है वह आपकी कॉपी में भी नोट करना है और इसकी पिक व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। ठीक बच्चों, ओके, थैंक यू।